हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए1 ट्यूटर। फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है फ्रेंड्स। जो जो कैंडिडेट UPITI में एडमिशन के लिए इंतजार कर रहे थे कि ऑनलाइन फॉर्म कब आएगा, तो मैं बता दूं UPITI एडमिशन का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग सभी कुछ देखेंगे फ्रेंड, आपको कब से अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है, आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा, कौन कौन सा ट्रेड है, और साथ ही आपका जनरल OBC SC ST का फी कितना है, और आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, सभी कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे। सारा कुछ यहाँ पे मेंशन होगा फ्रेंड। आपको फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहले मैं बता दूं कि यहाँ देखिए फ्रेंड कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की विधि, तो क्या क्या प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको एप्लीकेशन मतलब अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, फिर यहाँ देख सकते हैं पति या पत्नी का नाम, फिर जेंडर, फिर जन्म तिथि, फिर वर्ग मतलब कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और फिर यहाँ देख सकते हैं उप कैटेगरी यानी कि सब उप वर्ग भी डालना होगा, फिर दिव्यांग प्रकार यानी कि डिसेबिलिटी, ओके। उसके बाद आपको आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मूल निवास स्थान यानी कि डोमिसाइल, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा जब आप फॉर्म को भरोगे, ठीक है। तो मैं बता दूं कौन कौन सा ट्रेड पे आप फॉर्म भर सकते हैं, उसकी योग्यता कितनी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा ट्रेड है। तो देखिए, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, देख सकते हैं पूरा डिटेल में मेंशन है फ्रेंड। इसका जो मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका मतलब कि न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है दिया गया है, और आपका कितना समय लगेगा तो वो भी दिया गया, 1 वर्ष 2 वर्ष सभी कुछ दिया गया। यहाँ देख सकते हैं व्यवसाय का कोड भी दिया गया फ्रेंड, सारा डिटेल यहाँ पे मेंशन है, देख सकते हैं कितने कोर्स पे आपकी मतलब कि एग्जाम होगी, फॉर्म आया है तो यहाँ देख सकते हैं सारा डिटेल में मेंशन है। और फिर देखिए कोर्स ग्रुप ए का भी दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोसेसिंग असिस्टेंट, फिर देख सकते हैं सारा डिटेल में यहाँ पे मेंशन है। फिर ग्रुप बी का भी यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, आप देखिए कोर्स ग्रुप ए का भी दिया गया यहाँ पे, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड का, ओके। और फिर यहाँ देखिए फ्रेंड इंजीनियरिंग ट्रेड का भी दिया गया कौन कौन सा है, तो ग्रुप बी का। अब देखिए कैसे आपको अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ जो आपका डेट है यहाँ मेंशन किया गया कि बिहार, ये सॉरी UPITI का जो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, तो आज से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? तो 12 जुलाई तक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब आपको कैसे अप्लाई करना है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देखिए ऑनलाइन आवेदन, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड क्या लिखा हुआ है, देखिए सत्र 2019-20 में राजकीय अथवा निजी अथवा राजकीय एवं निजी ITI में प्रवेश लेने के लिए आवेदन करने हेतु कृपया निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे तथा आगे की प्रक्रिया को पूरा कर भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे मतलब है कि गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, या गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों है, तो दोनों आप कर सकते हैं यहाँ पे, दोनों आप चुन लीजिएगा, या फिर जो आप चुनना चाहें गवर्नमेंट या प्राइवेट, ओके। अब देखिए कैसे प्रोसेस क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे आपको अपना अभ्यर्थी का नाम, अप्लीकेंट का नाम देना पड़ेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम, फिर जेंडर लिंक, ये सब डाल के आपको यहाँ पे एड्रेस डालना पड़ेगा, फिर एंड सेव एंड गो टू द नेक्स्ट, और सेव करके आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा। सारा आपका जो क्वालिफिकेशन है, फिर फ्रेंड आपको फोटो मतलब कि फोटो सिग्नेचर ये सब भी अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट कितना का करना पड़ेगा, तो जनरल और OBC से आप बिलोंग करते हैं तो 250 रुपया, और SC ST से बिलोंग करते हैं तो 150 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन पेमेंट होगा। तो ये था फ्रेंड आज का अपडेट। एंड फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो, इसका जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा इसकी रिगार्डिंग, और कोई प्रॉब्लम होती है आपको समझ में नहीं आता किसी चीज़ को लेके, तो आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे सारा डिटेल मेंशन है आपका, आप कैसे अप्लाई करना है, क्या करना नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे मैंने आपको बता दिया, आप लोग यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसका जो लास्ट डेट है 12 जुलाई को होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें आगे के अपडेट्स के लिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।